चोरी की घटनाएं। व्यापारियों एवं वरिष्ठ नागरिकों ने रैली निकालकर थाने में थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। रात्रि में गुलाबगंज के मुख्य बाजार में जलज कुरेले की दुकान में 1.5 लाख से अधिक चोरी की घटना हुई। दुकान के सामान के साथ साथ दुकान में लगे हुए कैमरे भी ले गए एवं इससे पूर्व भी बर्री बैंक चौराहे पर चोरी की घटना हो चुकी है। गुलाबगंज नगर में आए दिन चोरी होने से दुकानदारों एवं व्यापारियों में डर का माहौल है, जिससे दुखी होकर सभी व्यापारियों एवं वरिष्ठ नागरिकों ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर चोरों को पकड़ने एवं चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की। ज्ञापन सौंपने वालों में राकेश कटारे, सतीश गंगवाल, मनीष जैन, पंकज कुरेले, जलज कुरेले, मोनू गुप्ता, बालमुकुंद पाल, गौरव दांगी, घोलू करेले, सचिन यादव, योगेंद्र राजपूत इत्यादि लोग सम्मिलित रहे एवं थाना प्रभारी द्वारा जांच की जा रही एवं थाना प्रभारी द्वारा फिंगर एक्सपर्ट टीम को भी बुलाया गया जो जांच कर रही है। तीन कैन गई हैं और मेरी टीवी सीसी कैमरा चला गया चोरी, और इसके बाद मेरी बड़ी सिगरेट वगैरह पान मसाले का सामान गया, महंगा महंगा सामान गया, बाकी सब रखा है। लगभग आपके अनुसार कितने की चोरी हुई? कैमरा वगैरह वो अलग करके अपनी दुकान की 70-80 हज़ार रुपये की चोरी हुई। कैश भी गया, चिल्लर कैश 3,000 के सिक्के थे और 3,000 रुपये खुल ली थी अपनी। इसके बारे में जानकारी हाँ, अभी चोरी सूचना प्राप्त हुई, इसके यहाँ चल रही है विशेष टीम बुलाई है, कहीं करने के बाद अगर कार्रवाई की जाए।